कुर्बानी से ज्यादा दूसरों लोगों का ख्याल रखें, जो पोर पीपल हैं, जो बहुत ही मोहताज पीपल हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो मेरा नाम अवैस अहमद खान है, आप देख रहे हो रियल पठान ऑफिशियल। तो इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं साजिद भाई, और आज एक दिन रह गया है अभी ईद के लिए, तो ईद के मौके पर क्या कुछ होना चाहिए इसी से मुतलिक हम बात करेंगे साजिद भाई से। तो साजिद भाई, सबसे पहले हमारे ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे इंटरव्यू लेने के लिए आए। यार देखो, ईद का काल नहीं, परसों बकरा ईद है, 29 को यहाँ बकरा ईद है। बकरा ईद बहुत ही जोर शोर से जम्मू एंड कश्मीर में मनाई जाती है, हालांकि पूरे हिंदुस्तान में। आप एक काम करो, आप जो भी गरीब, आपकी बस्ती में जो भी गरीब लोग होंगे, जो भी मोहताज लोग होंगे, उनकी हेल्प करो, किसी गरीब के काम आओ। जिंदगी अल्लाह ताला ने इसी के लिए दी है, किसी गरीब के काम आओ, किसी और के काम आओ, किसी गरीब मोहताज के काम आओ, बीमारों के काम आओ। इसी के लिए हमारी जिंदगी, इसी के लिए हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया। तो जैसा कि आपने देखा, साजिद भाई ने बताया कि ये जो बकरा ईद है, बकरा ईद जो है वो पूरे जम्मू एंड कश्मीर में जोश खरोश से मनाई जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको ईद के मौके पर ये मुबारकबाद पेश करता हूँ, और आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर एक के काम आए इस ईद के मौके पर। कुर्बानी से ज्यादा दूसरों लोगों का ख्याल रखें, जो पोर पीपल हैं, जो बहुत ही मोहताज पीपल हैं, उनके काम आए, ताकि वो भी अपनी ईद अच्छे जोश खरोश से मनाएं, अच्छे तरीके से गुजारें। मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं कि इस ईद के मौके पर अगर आप के साथ किसी ने गलत किया है, आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आया है जिसने आपको बहुत दुख दिए हैं, तो प्लीज हर एक को माजी की पूरी गलतियां माफ करके आगे बढ़ना, ताकि आपकी जो ईद है ये कबूलियत की ओर जाए, वरना आपकी ईद जो है ये खसाड़े में पड़ जाएगी अगर आप किसी को माफ नहीं करोगे, आप किसी मोहताज इंसान के काम नहीं आओगे इस ईद के मौके पर। तो आप ऐसे समझ लेना कि आपकी ईद खसाड़े में पड़ जाएगी।